उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सदस्यता अभियान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी ने बृहस्पतिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर सदस्यता अभियान को लेकर जिम्मेवारियां सौंपी और प्रत्येक विधानसभा में 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया। तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस सदस्यता अभियान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा के नेतृत्व में पार्टी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र भंडारी ने जिले भर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले 9 विधानसभाएं हैं। भंडारी ने कहा कि आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की ओर जनता का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में सदस्यता को एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा, जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है। पूरे देश की निगाहें अब कांग्रेस पर टिकी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस हताशा और निराशा के वातावरण को बदलना होगा। कांग्रेस के विकास परक सोच और सुशासन के संदेश को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता की समस्या का समाधान करेंगे। राजेंद्र भंडारी ने कहा, कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, एक विचारधारा है जो हर घर में विद्यमान है। देश की आजादी से लेकर देश के विकास के संघर्ष को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान पूरी निष्ठा के साथ चलाने का आह्वान किया। कहा कि जमीनी स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को कांग्रेस की रीति और नीति से अवगत कराना होगा। आज राजनीतिक हालात पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। किसान, नौजवान और तीर्थ पुरोहित सड़क पर आ गए हैं। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और लोकायुक्त लाने की बात करने वाली भाजपा आज मौन है। उन्होंने कहा कि इन सभी बिंदुओं को लेकर कांग्रेस आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएगी और जनता के आशीर्वाद से जीत का परचम लहराएगी। सदस्यता अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान को लेकर जिम्मेवारियां सौंपी और रसीद बुके भी दी गई। सदस्यता अभियान में हर विधानसभा में उद्यम सिंह करके जो हमारी 9 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में जो है 20,000 सदस्य एक विधानसभा में बनाए जाएंगे और घर घर जाके बूथ लेवल से हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में मोहल्ला अध्यक्ष और मोहल्ले की टीमें बना के घर घर में सदस्यता का अभियान चलाएंगे और ये पूरे प्रदेश में ये सदस्यता का अध्ययन है क्रमवत जारी है। आज हमने उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभाओं का बैठक ले रहे हैं। यहाँ पे सारे संगठन के लोगों को हमने बुलाया हुआ है। सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे नगर अध्यक्षों को आज जिम्मेदारी दुरुपयोग दी जा रही है ताकि ये अपने अपने विधानसभा में जाकर सदस्यता का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। बनाई गई है जितने भी जो कार्यक्रम के अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी अचानक देहांत हो गया था, इस वजह से दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी कमेटी बना दी है। अनुशासन समिति के लिए कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी के पास सारे केस जो निष्कासित हुए उनके गए हुए हैं, उनके बारे में छानबीन की जा रही है। जिन पे बहुत बड़ा अभियोग नहीं होगा उनको जो है शामिल किया। सर, आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है? नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है। ये कांग्रेस का परिवार है और बड़ा परिवार है। यहाँ जो है हर एक के विचार अलग अलग आते रहते हैं, लेकिन गुटबाजी किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। और आपने देखा होगा कि हमारा सारा संगठन यहाँ पे है, चुनाव संगठन लड़ाता है। आप जो है ऊपर की बात छोड़ दीजिए, विचार अलग अलग होते हैं। जिला मुख्यालय में हमारी देहरादून से आए हुए सदस्यता अभियान के अध्यक्ष श्री राजेंद्र भंडारी जी का मैं स्वागत करती हूँ। और ये जो अभी कुछ समय पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उसको देखते हुए, उसकी सक्सेस को देखते हुए, जो लोगों में एक कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा, जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान आ चुकी है, उसकी जुमलेबाजी से परेशान आ चुकी है और अब वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। और ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विकास की पार्टी है, काम करने की पार्टी है। बस इसीलिए मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमने ये सदस्यता अभियान चलाया है। हम घर घर जाकर, बूथ बूथ जाकर इस
अभियान को सफल बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। तुम क्या लगता है महिलाओं को कांग्रेस किस तरीके से सम्मान देगी? इस बार आप देखिए, बहुत हमारे प्रभारी जी ने भी ऐलान करा है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी संख्या में है।